The JDU-RJD Congress alliance in Bihar has worked against the BJP as the newfound alliance has managed to win 7 seats out of 10 assembly seats which went to by-poll last week. In an exclusive interview with NNIS, BJP spokesperson Shehnawaz Hussain said that the party would learn from this and emerge stronger. Hussain said that former Bihar CM Nitish Kumar and RJD chief Lalu Prasad Yadav said that they had united forces as they felt threatened by BJP. He added that in the upcoming legislative assembly elections, BJP will emerge victorious. देखिए अलायंस हुआ है लालू जी का नीतीश जी से, नीतीश जी का लालू जी से, दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत को देखकर वो इकट्ठे हुए। हमारी 6 सीटें थी, 2 सीट हमारी घट गई है और उनकी 2 सीट बढ़ गई है, लेकिन विधानसभा के आने वाले चुनाव में हम इसको पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये प्रदेश का चुनाव था, 10 जिले का चुनाव था, 10 जिले में अलग अलग सीट का चुनाव था, अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति थी। जो पुरानी सीटें हम जीते थे वो हार गए, नई सीटें हम जीत गए, इसलिए मिक्स नतीजे आए हैं। इस पर चिंतन करेंगे और पूरे प्रदेश के नेता, जीतते तो हम सब जिम्मेदारी लेते, हारते तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और हम लोग इससे सीखते हुए आगे विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेंगे, आम चुनाव में, और जीतेंगे। अब अगली बार जब 2000 चुनाव होगा 19 का, तो शरद जी सबको इकट्ठा कर लें, फिर भी नरेंद्र भाई जीतेंगे। Powered by NNIS.